जी सलाम अलैकुम, मैं शबीर जैदी अलायंस पोर्टेबल जू में आपका सभी का स्वागत करता हूं। और मैं एक बार सबको एडवांस में हैप्पी होली बोलना चाहता हूं आपके सह परिवार को, आप सभी को। जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है अभी का, जो मैंने आज जैसे ऑफर निकाला था, मैं 10 पिजन आज गिफ्ट करूँगा अपने भाइयों को। तो हमारे भाई जी यहाँ पर आए हैं, नाम रोहित कुमार जी यहाँ पर आए हैं नंद नगरी से कबूतर लेने के लिए। इनका सुबह कॉल आई थी मेरे पास, तो मैंने भैया को बोला था बाजी आपका गिफ्ट यहाँ रेडी पड़ा हुआ है। भैया हमारे पास यहाँ पे आए तो रोहित जी इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और ये हमारे पास आए कबूतर लेने के लिए, इनकी ज़रा नवाजी। और आप रोहित जी से बात करिए, हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इन्हें आते में या कोई परेशानी हुई, या हमने कबूतर इनको इनकी मर्जी दिया या हमने कोई सिलेक्ट करके दिया, बात करिए रोहित जी। नमस्ते भाइयों, आप बताएं जो आप बोलना चाहते हैं। भैया मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ आपने मेरे को बुलाया और मेरे को मेरी चॉइस का कबूतर लेने को मिला। अच्छा। आपको जैसे मैंने कॉल करा सुबह, आपने कही कि आप आइए, आपका गिफ्ट हमारे पास रेडी है। जब आपने वीडियो देखी थी सुबह जी, तो आपने वीडियो देखते ही कॉल करी थी? जी मैंने वीडियो देखते तुरंत कॉल करी थी। तो आपका फोन उठाया गया या? जी पहली बार में कॉल मेरा पिक करा गया। अच्छा, लोग कहते हैं फोन नहीं उठाते। जी हाँ, फोन नहीं उठाते, वो सब गलत फहमी है, वो बाई चांस बिजी हो सकता है क्योंकि अब और भी कॉल्स आती है। तो ये नहीं कि ना मेरा कॉल काटा गया, ये ऐसा भी नहीं होगा मेरा कॉल मिस करेगा, मेरा कॉल पहली बार में उठाएगा। आपको ये बोला गया कि आपने कॉल करी नहीं जी, माल खत्म हो गया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आया हूँ बस, जैसे मैंने कॉल करी भाई ने हमें कही तुरंत कि आपका गिफ्ट हमारे पास रेडी रखा, आप आके ले गए। रोहित जी मैं यही पूछना चाह रहा था, आपने जो कबूतर निकाला अपनी पसंद का निकाला? जी भैया मैंने अपनी पसंद का कबूतर निकाला। तो मैं अब रोहित जी ने जो कबूतर लिया है अपनी पसंद का, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं रोहित भैया कबूतर लेके खड़े हुए हैं जो इन्होंने सेलेक्ट किया। मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर की आईज एक बार जूम करके, इन्होंने कौन सा कबूतर लिया है, कैसा है। एक मिनट, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा मुंह उधर करें। हाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कबूतर की जो चोंच के ऊपर ये वाइटनेस होती है खाल, ये हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हार्ड होती है तो इसका मतलब ये है कि ये कबूतर थोड़ा एजिड है, अगर सॉफ्ट है तो ये कबूतर आपके जवान है। आप कबूतर की आइज़ देख सकते हैं, जो रोहित भैया ने अपनी पसंद से निकाला है, मैं इनकी पसंद की दाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा कबूतर निकाला है सेलेक्ट करके। तो रोहित जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कबूतर निकाला, आपको कबूतर निकालने की नॉलेज है, तो आपने बहुत अच्छा कबूतर निकाला, आपकी सेलेक्ट करने की मैं तारीफ़ करता हूँ, आपने कबूतर अच्छा सेलेक्ट किया। पर अभी तक मेरे पास जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह सब सिलेक्टेड ही कबूतर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि गिफ्ट सारे उम्दा नस्ल के कबूतर। हाँ, क्योंकि जब गिफ्ट दिया जाता है हमेशा अच्छी चीज़ दी जाती है, ख़राब चीज़ कभी नहीं दी जाती। तो अभी हमारे भैया ने कबूतर निकाला है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं दिखाऊं जो मेरे पास गिफ्ट लेने आ रहे हैं उनकी वीडियो बनाऊं। और अभी हम भैया के साथ होली का टीका भी लगाएंगे भैया के, अभी दिखाते हैं आपको। ये हमने टीका लगा दिया भैया के, थोड़ा और हमने कलर इनके लगा दिया। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली मेरे भाई। ये हमने भैया के टीका लगा दिया है। तो मेरे भाई जो होली का त्यौहार है, मिल बांट के साथ में खुशियां बांटने का त्यौहार है। अकेले बैठ के होली नहीं खेली जाती, जितना आप खुशियां बांटेंगे उतनी खुशी आपको मिलेगी। तो मेरा मकसद ये है कि आप जैसे मेरे भैया मेरे पास आए, मैंने भैया को कबूतर सेलेक्ट किया और जितना मेरे से होगा लोगों के इतना मैं करूँगा, जितनी मेरी औकात है जो मैं कर सकता हूँ। दीजिए भैया आप चॉकलेट दीजिए, ये भैया का मुंह मीठा करा रहे हैं होली के लिए। बेटा आप भी लो। तो आज के लिए मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य सिर्फ यही था कि मैं दिखाऊं जो लोगों ने बुकिंग करी है मेरे पास होली के गिफ्ट की, वो मैं दे चुका हूं और दे रहा हूं। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली भाई, वो मैं दे रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, शबीर जैदी अलायंस पोर्टेबल, टेक केयर गाइस।